अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मैं रुकैया, और आज हम भाई क्या बहन हाल है का भाई के? आज हम भाई बहन का बैटल है। हम लोग देखेंगे कि कौन अच्छा मॉकटेल बनाता है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बनाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बना रही हूँ, मैं कंपटीशन में आई हूँ, मुझे सब लोग सपोर्ट करना कमेंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया है। ग्लास में हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स पे नमक लगा देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इससे ही इसको थोड़ा सा हल्का सा कर देती हूँ गीला, ये देखिए। पानी से धो लेती है यार। उसके बाद हम इसको इस पे लगा के ऐसे थोड़ा सा मैं ऐसे घुमाना है ऐसे। मैं हाँ। कर रही हूँ भाई, मेरा वो है ना अपने कंपटीशन में। तो हमारे सबके जीते ही, अगर जीती तो चुप रहो। उसके बाद नमक तो ज्यादा नहीं हो क्या? नहीं, इसमें ऐसे ही लगता है। उसके बाद कॉर्नर पे लगा दिया नमक, देख के मुंह में नमकीनपन आ गया। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एक नींबू का स्लाइस, ताकि हम इसका विनेगर हम गला के इसका मचार बना दें। नींबू विनेगर नहीं से ट्रिक होता है। उसके बाद हम इसमें 8-10 पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। गिनी है 8-10। इसके अंदर डाल देंगे मिर्ची और थोड़ा सा सॉल्ट। अब लगेगी मिर्च क्या? चम्मच लेना, चम्मच 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 स्पून हाँ स्पून। ये देखिए, हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट। अब तो ये अचार बनने के लायक खट्टा हो गया यार, दांत अजीब से हो गए। उसके बाद हम इसको लेके थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे, हल्का हल्का सा दबाएंगे। शीशे का गिलास है तो आप एहतियात रखिए, इसका अर्ख निकालेंगे। कौन सा अर्ख? ये हकीम जी की दुकान है क्या? पुदीने और धनिया का, नहीं धनिया नहीं, पुदीना नींबू का अर्ख निकाल दिया। वैसे ये चटनी बन गई, जैसे लहसुन डाल दिया तो। अब इसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया तो अचार भी बन जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर नींबू एक आधा। नींबू कितना बड़ा है? नहीं रहा इसमें साइज इसका थोड़ा सा बड़ा। ये इसमें तो 2 लीटर जूस निकला है। इससे ना, इससे इस लड़की से पहली बार ये नींबू उगा रहा है, इसने पहली बार स्क्वीज करा है, वरना इससे होता नहीं, इसके बस की नहीं है। इससे हो जाता है, हाथ से नहीं निचोड़ा जाता है। बहुत ही वो हूँ ना मैं, आलसी आलसी नहीं होती। हाँ हाँ आलसी, वो इफ हेल्थ कॉन्शियस है। ये नींबू लोग नहीं, वेदर चेंज हो रहा है, गला भी खराब हो सकता है, इसलिए मैंने कहा मैं दूरअंदेशी देखता हूँ, दूर दृष्टि। बस कर यार, इसमें बर्फ डाल सकते हैं। मैं दोबारा नहीं तोड़ूंगा बर्फ। तोड़ो। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। किस चीज को मिक्स करना? सिर्फ बर्फ मिक्स कर लेंगे। हाँ, सिर्फ बर्फ आ रही। अब हुआ, अब लेमन जूस ऊपर आया। अब इसमें थोड़ा पानी डल जाए तो फिर नींबू पानी आ रही है। मिर्ची तैर रही है, मिर्ची तैर रही है। देख, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे स्प्राइट। में स्प्राइट डाल रही हूँ, 7। स्प्राइट वाले ने हमें स्पॉन्सरशिप नहीं दी है, ये हम अपनी मर्जी से। इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा होता है इसलिए। इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा सा और डाल देंगे हम इसके अंदर। ये हम इसके अंदर लगा देंगे ये मिर्ची, और हमारा रिफ्रेशमेंट ड्रिंक तैयार है। ये है चिली मोजीतो, वर्जिन मोजीतो विद चिली, आप जो भी कह सकते हैं इसे। हम तो देसी लोग हैं, हम तो इसको कहेंगे नींबू पानी मिर्ची मार। इसे बिरयानी के साथ अगर पिया ना तो बस आप गए। स्टोरी टाइम में सुना तो। ये मैंने गिलास लिया है, हमें नहीं पता ये क्या खाली कटोरी है मसाले का। चार टुकड़ा करके आधा नींबू बता रहे। नींबू इतना बड़ा लोगे तो आधा कैसे कह सकते इसको? हाँ वैसे एक चीज है, ये वेस्ट है, ये बिल्कुल बकवास चीज है। हाथ से नींबू, इससे ज्यादा तो इसमें रह गया अभी भी। हाँ पर कोई नहीं यार, हाइजीनिक हो जाता है लोगों का। ऐसा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, हम इंडियंस हैं, हमें हाथ की मेहनत ज्यादा पसंद। ब्लैक सॉल्ट है ये 3 पिंच है। ये गरम मसाला, क्यूमिन सीड है, गरम मसाला भी, कोरमा बन रहा है, ये जीरा पाउडर है। अच्छा, और ये रहा प्लेन सॉल्ट। टेस्ट के हिसाब से, हाँ टेस्ट के हिसाब से हाथ रोक के नमक ठोक के, और इसमें डालेंगे बर्फ। ये क्या लड्डू हो रही है बिल्कुल? डालो जल्दी से। भीम का लड्डू। बर्फ का लड्डू।
इससे कम में तो हमारा बनता ही। चलो अभी से मिक्स कर लेते हैं। लॉकडाउन ने हमारा तो अच्छा कर दिया है। हो गया, ज्यादा मिक्स नहीं करना। ये रहा सोडा, ऐसे गिरा दो सोडा। ओए गिरने वाला है। जो लोग गलत सोच रहे हैं ना ये सोडे के साथ क्या और हो सकता है, तो वो अपने दिमाग में इस चीज को ना लाए। ये देख देख भाई, ध्यान से ऊपर ना जाए, तेरे से अच्छा दिख रहा है देख। अरे हाँ, सब मुझसे अच्छा। भाई टेस्ट करके बताएगा कि मेरा देसी वाला पसंद आया। अबे इस गिलास का तो पेट अब फर गया। ये देख, चल जल्दी पी के देखता हूँ। मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया, साइड से मेरे दांत खट्टे हो गए। ड्रिंक हमारा बन के रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। भाई प्लीज बट्टा हो गया मुंह। फिर लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं ये वीडियो में क्या करती रहती है कुकिंग के अलावा। ये देखिए यार, दूसरे फोन से फोटो लेगा अपनी। चलो अगली रेसिपी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है लाइक कर, और जिसका अच्छा लगा ना उस पर कमेंट करना। हाँ ये वाला अच्छा था, ये मेरा है, पहले बता रहा हूँ। ये वाला मेरा है, ये साइड साइड पिघल के मुझे पिला दो यार।